बिलम्बो का खट्टा, रुई मछली से बिलम्बो का खट्टा कैसे बनाते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयल ले चुके हैं हमने, कुकिंग ऑयल। अभी जो है इसमें डाल रहे हैं, देखें 5 फोटन। इसमें सौंफ है, सब मिक्स किया हुआ है, सौंफ काला जीरा वगैरह सब मिक्स करके रखे हैं। देखें अभी बिलम्बो जा रहा है, बिलम्बो अंदर गया। तो ये होता है बिलम्बो थ्रू खट्टा होता है, विलेज में ये इस्तेमाल करते हैं। अभी जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक और जो सरसों होता है मास्टर सीड, वो मास्टर सीड हमने पेस्ट करके डाले हैं। अभी इसमें गया नमक, टेस्ट ऑफ सॉल्ट। अभी जाएगा टर्मेरिक पाउडर, हल्दी का पाउडर, चिल्ली पाउडर। देखा दोस्तों, गुलाम्बो टॉप, गुलाम्बो का जो है खट्टा, गुलाम्बो टॉप अनेक भालो लगभग खेते। प्रिय बंधुरा আপনারা বাড়িতে একবার জরুর চেষ্টা করবেন বানানোর, বানিয়ে দেখবেন কীরকম হয়েছে, তারপরে কমেন্ট করে জানাবেন। এটা হচ্ছে আলেপ কুজি চ্যানেলের রেসিপি, বিলম্ব টক, রুই মাছ বিলম্ব টক। এখন যে দেখেছেন ঢাকনটা লাগিয়ে দিয়েছি, বিলম্ব রুই মাছটা যে হয় খট্টা কেসা লাগা। ये जो है बहुत यूनिक स्टाइल पे बना रहे हैं, बहुत इजी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। बंधुरा जल दिए एक ढके दीबें, ढके देवर पर 2 मिनट पर जे माछ छाड़ा होबे, रुई माछ भाजी कर रेखे, जे रुई माछ फ्राई कर रेखे से डालते होबे। देखें दोस्त बंधुरा जल दिलाम, दोस्तों जो है पानी डालने के बाद में 2 मिनट के लिए ऐसे ढक देना है। उसके बाद में जो रुई मच्छी जो है हमने फ्राई करके रखे हैं वो डालेंगे। डालने के बाद में जो है प्रोसेस में आगे बने रहें। देखें अभी ढक्कन लगा रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं अभी जो है इसमें उगाल आना शुरू हो चुका है। अभी इसका अंदर डालेंगे मच्छी, रुई मच्छी का पीस फ्राई करके जो रखे थे हमने वो डाल रहे हैं। देखें रुई मच्छी का जो है पीस हमने डाल दिया है, करी का कलर देखें माशाल्लाह बहुत ही सुंदर बन रहा है ना, विलेज स्टाइल। दोस्तों अभी जो है 3 मिनट के बाद जो है ढक्कन खुले हैं, देख सकते हैं इसका पानी कितना मर चुका है, करी कितना लाजवाब बन चुका है, बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार। रुई मछली का जो है खट्टा बनकर तैयार हो चुका है, आप लोग ज़रूर घरों में ऐसे बनाएं, खाएं, मुस्कुराते रहें। दोस्तों नए व्यूअर्स प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो है हमारे लिए प्यार है, मोहब्बत है दोस्तों, आगे वीडियो डालने का हौसला मिलता है। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, ट्राई करने के बाद कैसा लगा ज़रूर वीडियो में कॉमेंट करें।